हेलो दोस्तों, आपने ये चीज ध्यान नोटिस किया होगा, जब हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जैसे कॉलिंग किसी को करते हैं, और जब कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपने देखो एक नोटिस आता है कि इधर से जब बोलता है तो जो हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो जिसका कॉल लगाते हैं दोस्तों, वहां भी नोटिस पहुंच जाता है, उनको भी आवाज आती है कि हमने कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, जिससे कि हम किसी की कॉल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसको भी पता चलेगा, हाँ, इसने हमारी कॉल रिकॉर्ड कर ली है। दोस्तों, इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी लोगों, मुझे भी आ रही थी, लेकिन दोस्तों हर ऐसा आज जो अब फोन अब आ रहा है ना दोस्तों, अभी आ रहा है फिलहाल में, जो अब लगभग 2022 के लगभग जुलाई के बाद, उनमें दोस्तों ये ऑप्शन दोस्तों हटा दिया है, ज्यादातर मैंने देखा है एक कॉल रिकॉर्डिंग का दोस्तों। ठीक है, रही बात पहले वाले में जो आ रहे थे दोस्तों, जो बहुत पहले थे उसमें तो आवाज नहीं आ रही थी, तो बीच में आए थे दोस्तों, ठीक है, उनमें कुछ फोनों में आवाज आ रही है, वो आवाज को बंद दोस्तों करेंगे कैसे करेंगे, जिससे कि हम यहाँ से अगर किसी से बात कर रहे हैं कॉल पे, और अगर कॉल रिकॉर्डिंग बंद भी करेंगे तो जिससे कि उसको नोटिस पता भी ना चले कि हाँ किसी ने हमारी कॉल चालू कर दी है, या मतलब चालू है या नहीं है, जिससे कि हम उसकी बातें भी सुन सकें और रिकॉर्ड भी कर सकें दोस्तों। ठीक है, ये चीज सारी देखने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने ये चीज तो नोटिस किया होगा, जैसे हम यहाँ से कोई नंबर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी नंबर लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर डायल करके देखता हूँ यहाँ से इस तरीके से, और जैसे हम दोस्तों इसे अगर ओके करेंगे दोस्तों, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है, लेकिन जब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आवाज आता है कि मतलब कुछ बोलता है इसमें, ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो आवाज आती है दोस्तों, और जिस तरह से हमने जिसका कॉन्टेक्ट नंबर लगाया है तो वहां भी आवाज पहुंच जाती है, जिससे कि पता चल जाता है कि हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है दोस्तों। अब इस चीज को बंद करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों, ठीक है, आपको सबसे पहले डाटा खोलना है, अगर डाटा खुला हुआ है तो, और उसके बाद आपको प्ले स्टोर चले आना है, प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों, ठीक है, इतना लिखेंगे, और जितना लिखने के बाद या ए वाला आपको ऐप मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ठीक है, TTSLEXX, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसे ओपन करना है, सिर्फ ओपन करने के बाद छोटा सा आया और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ये लिखा है, सिर्फ आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे या अटेंशन बोलेगा ओके कर देंगे, इससे इतना करने के बाद दोस्तों बैग चले आना है। बैग आने के बाद दोस्तों आप सोचते होंगे यार ये भाई क्या बता रहा है, इसमें यहाँ बैकग्राउंड कुछ और है, फिलहाल मैंने कोई बात नहीं है, यहाँ खेत पे आया तो मैंने सोचा बता दूंगा आपको, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको प्ले कर देना है, यहाँ पे इसकी जो आवाज है वो अलग हो जाएगी, लेकिन अब क्या करना है, अभी भी दोस्तों आपकी रिकॉर्डिंग की आवाज बंद नहीं हुई, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, यानी कि इसका जो डाटा कैच होता है उसको डिलीट कर देना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कैच कर देंगे और आपको डाटा क्लियर कैच हो जाएगा, और दोबारा से उसे दोबारा उस पर क्लिक करेंगे नंबर पे दोस्तों, आपको ये चीज बंद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।